हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैंने एक सीरीज लॉन्च किया था जिसका कि नाम था व्हाई आई लव। सीरीज के सेकंड वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ एक ऐसा डिश लेके जो कि खास करके हमारे बिहार में और खास करके हमारे मिथिला में काफ़ी फेमस है। हमारे मिथिला में गेस्ट आते हैं तो हम लोग ये डिश बना के देते हैं खाने के लिए। चलिए आपको ये टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। काफ़ी मज़ेदार है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक सीरीज लॉन्च किया था जिसका कि नाम था व्हाई आई लव बिहार। उसका मैंने पहला एपिसोड ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने उस सीरीज के सेकंड वीडियो लेकर के। आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसा डिश लेके जो कि खास करके हमारे बिहार में और खास करके हमारे मिथिला में काफ़ी फेमस है। जो कि वो डिश हम लोग जब हमारे मिथिला में गेस्ट आते हैं तो हम लोग ये डिश बना के देते हैं खाने के लिए, और ये स्पेशल डिश है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है तो आप गेस कर लो कि वो कौन सा डिश है। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। सो ब्लॉग में बने रहें, थैंक यू। तो ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग तिलकोर का पात कहते हैं और इसी पत्ते से आज हम लोग वो डिश बनाएंगे। फिलहाल हम लोग इसे थोड़ी सी साफ कर लें। तो आज जो हम लोग डिश बनाएंगे उसका नाम है तिलकोर का तरुआ। तो डिफरेंट स्टेट में तरुए को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, बहुत जगह पे इसे भाजी भी कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये बेसन है और इसमें अभी ये हल्दी है, ये हल्दी इसमें मिलाया जा रहा है और इसके साथ धनिया है, ये नमक डाली गई है। और इधर हम लोगों का जो कढ़ाई है वो पूरा गर्म हो चुका है, ये देखो आप, इसमें पानी डाला जा रहा है। अभी अच्छी तरीके से इसका एक घोल तैयार किया जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हो कि ये बेसन सब का जो घोल है वो तैयार है, इसे अच्छे तरीके से मिला लिया गया है। आप देख सकते हो कि ये पत्ता भी जो है वो अच्छे तरीके से साफ होके तैयार है। अब इस पत्ते को हम लोग उस घोल में मिलाएंगे और इस कढ़ाई में ऑयल डाल के डालेंगे। ये आप देखो इसमें अभी रिफाइंड ऑयल जो है वो डाला गया है और ये थोड़ी सी गर्म होगी। तो अभी पत्ते को इसमें डाला गया है और फिर इसे अभी हम लोग ऑयल में डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और खाने लायक हो जाए। ये काफ़ी टेस्टी होता है, एक बार पक जाने के बाद ये काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ये जितना खूबसूरत दिखता है ना उससे ज़्यादा खूबसूरत खाने में होता है। अभी देखो कि आप इसमें जो इसका जो कलर है वो धीरे धीरे आने लगा है। तो चलिए इसे निकालते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि हमारा जो तरुआ है वो अभी बन के तैयार है। तो ये आप देख रहे हो इसे हम लोग तिलकोर का तरुआ कहते हैं और अभी ये काफ़ी गर्म है तो हम इसे टच नहीं कर सकते क्योंकि हाथ पक जाता है। तो अभी इसका जो आप शेप देख रहे होगे, इसका जो शेप है वो हार्ट के आकार का है, जैसे हम लोग वो इमोजी हार्ट वाला इमोजी सब होता है ना, वो उस टाइप का है इसका जो शेप है वो। और ट्रस्ट मी, ये खाने में काफ़ी डिलीशियस होता है, काफ़ी डिलीशियस होता है और हमारे मिथिला का जो है ना ये पहचान है। तो चलिए आपको ये टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। काफ़ी मज़ेदार है और आप जो कोई भी ये वीडियो देख रहे होगे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये डिश जो है ना एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। हम लोग इसे तिलकोर का तरुआ कहते हैं और आपने पत्ता भी देख लिया है तो आप ऐसा पत्ता खोजने का कोशिश करना और इस तरीके से आप तरुआ एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा खाने में। तो ये जो तरुआ है वो हम मिथिलावासी के तो दिल में बसता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग सोनू शो, बाय।